आज हम आपके समक्ष लेकर आए एक वनस्पति जिसका नाम है सत्यानाशी। तो चलिए शुरू करते हैं। सत्यानाशी जैसा नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि यह क्या चीज है, या सत्यानाशी का प्रयोग किन किन कामों में किया जाता है। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि जिस पौधे का नाम ही सत्यानाशी है वह केवल नुकसान ही पहुंचाती होगी। लेकिन अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो आपकी सोच गलत है। सच यह है कि सत्यानाशी एक बहुत ही गुणी पौधा है और सत्यानाशी का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। कितना भी पुराना घाव, खुजली, कुष्ठ रोग आदि हो, आप सत्यानाशी का प्रयोग कर रोग से छुटकारा पा सकते हैं। आयुर्वेदिक शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि सत्यानाशी कफ पित्त दोष को खत्म करती है। इसका दूध, पत्ते का रस, बीज के तेल से घाव और कुष्ठ रोग में लाभ होता है। इसकी जड़ का लेप करने से सूजन ठीक हो जाती है। सत्यानाशी का प्रयोग कर आप बुखार, नींद न आने की परेशानी, पेशाब से संबंधित विकार, पेट की गड़बड़ी आदि में भी फायदा ले सकते। सत्यानाशी का पौधा चाकोर होता है जिसके पूरे पौधे पर कांटे होते हैं। इसमें राई के समान छोटे छोटे काले रंग के बीज भरे रहते हैं। ये 10 हफ्ते कोयले पर डालने से बड़बड़ बोलते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में इसे बड़बाड़ भी कहा जाता है। सत्यानाशी के किसी भी भाग को तोड़ने से सोने जैसा पीला दूध निकलता है, इसलिए इसको स्वर्ण श्री भी कहते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार सत्यानाशी स्वर्ण श्री से अलग है, यानी कि भिन्न है। यह वनस्पति काश्मीर तथा उत्तराखंड में 4000 मीटर की ऊंचाई पर प्राप्त होती है। भिन्न भिन्न भाषाओं में सत्यानाशी के नाम। सत्यानाशी का वानस्पतिक नाम आर्जेमोनी मैक्सिकाना है और यह पेपेवरेसी कुल की वनस्पति है। सत्यानाशी को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि हिंदी में सत्यानाशी, उजर कांटा, सियाल कांटा, संस्कृत में कटुपर्णी, गुजराती में दारोड़ी आदि नामों से जाना जाता है। सत्यानाशी के औषधीय प्रयोग की बात करें तो प्रयोग की मात्रा एवं विद्या। सत्यानाशी पंचांग से दूध निकालने, बूंद दूध में 3 बूंद घी मिलाकर आंखों में काजल की तेदरा लगाने से मोतियाबिंद और रतौंधी में लाभ मिलता है। 1 ग्राम सत्यानाशी दूध को 50 मिली गुलाब जल में मिला ले। इसे रोजाना 2 बार 2-2 बूंद आंखों में डाले। इससे आंखों की सूजन, आंखों का लाल होना आदि नेत्र विकारों में फायदा होता है। 2-2 बूंद सत्यानाशी के पत्ते के रस को आंखों में डालने से सभी प्रकार के नेत्र रोग में लाभ होता है। सत्यानाशी का उपयोग ब्रोंकियल अस्थमा के इलाज में फायदा पहुंचाता है, क्योंकि इसमें एंटी एलर्जिक गुण पाया जाता है। इस गुण के कारण ही यह अस्थमा के लक्षणों को कम करने में भी मदद करती है। सत्यानाशी पंचांग का रस निकालकर उसको आग पर उबाले। जब वह रबड़ी के समान गाढ़ा हो जाए तब 500 मिली रस, 60 ग्राम पुराना गुड़ और 20 ग्राम राल मिलाकर खरल कर ले। इसकी 250 मिलीग्राम की गोलियां बना ले। एक एक गोली दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ लेने से दमे में बहुत ही लाभ होता है। पेशाब में जलन हो तो सत्यानाशी के 20 ग्राम पंचांग को 200 मिली पानी में भिगो ले। इसका काढ़ा बनाकर 10 या 20 मिलीग्राम मात्रा में पिलाए। इससे मूत्र विकारों में लाभ होता है। कुष्ठ रोग और रक्तपित्त यानी कि नाक कान अंगों से खून बहने की समस्या में सत्यानाशी के बीजों के तेल से शरीर पर मालिश करें। इसके साथ ही 5 या 10 मिली पत्ते के रस में 250 मिली दूध मिलाकर सुबह और शाम पिलाने से भी लाभ होता है। सत्यानाशी में एंटी फंगल गुण पाया जाता है, इसलिए दांत की समस्या में इसका उपयोग फायदेमंद है। एंटी फंगल गुण होने के कारण ये दांत के लक्षणों को कम करके दांत को फैलने से रोकती है। इसके लिए सत्यानाशी की पत्तियों का रस या तेल को दांत वाली जगह पर लगाए। सत्यानाशी के दूध को घाव पर लगाने से पुराने और बिगड़े हुए घाव ठीक होते हैं। सत्यानाशी दूध को लगाने से कुष्ठ तथा फोड़ा ठीक होता है। सत्यानाशी पंचांग के पत्तों को पीसकर खुजली में लगाने से लाभ हो जाता है। छाले, फोड़े, फुंसी, खुजली, जलन, सिफिलिस आदि रोग पर सत्यानाशी पंचांग का रस या पीला दूध लगाने से लाभ होता है। सत्यानाशी के उपयोगी भाग कौन कौन से है? तो उसमें पंचांग यानी के पत्ते, फूल, जड़, तने की छाल और दूध। सत्यानाशी का इस्तेमाल कितनी मात्रा में करें? तो चूर्ण 1 से 3 ग्राम, दूध है वो 5 से 10 बूंद, तेल की मात्रा है 10 से 30 बूंद और रस लेना है 5 से 10 मिलीग्राम। और सत्यानाशी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में जाने तो
सत्यानाशी के बीजों का केवल शरीर के बाहरी अंगों पर ही प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह अत्यधिक विषैले होते हैं। इसके बीज की मिलावट सरसों के तेल में करते हैं, इसलिए सत्यानाशी का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरते हैं। अब जानते हैं सत्यानाशी कहाँ कहाँ पाया जाता है। सत्यानाशी पूरे भारत में 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह प्राकृतिक रूप से मैदानी भागों में नदी एवं सड़कों के किनारे पर तथा वन्य क्षेत्र में पाई जाती है। यह वनस्पति मूलतः मेक्सिको से भारत में आई है, लेकिन भारत में अब यह सब जगह उत्पन्न होती है। इसके साथ ही जय भारत, जय हिंद, जय धन्वंतरी।